हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूँ रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो कक्षा 10 के लिए है और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि ये लेक्चर नंबर 3 है और किस क्लास के लिए, कक्षा 10 के लिए है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बाद बात करेंगे हम शब्द समीकरण की, फिर हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना, और सबसे बाद में बात करने वाले हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे एक रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो चलते हैं कहाँ, रासायनिक समीकरण। अब देखिए, रासायनिक समीकरण किसकी लिखी जाएगी, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस रासायनिक अभिक्रिया की क्या लिखी जाती है, रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ पर कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे कि लक्षणों की बात करें तो वहाँ पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, वहाँ पर गैस का निर्माण हो सकता है, वहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन या ताप परिवर्तन हो सकता है, वहाँ पर अवक्षेपण हो सकता है। ये सारी क्रियाविधि हमने देखी थी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कौन कौन से गुण या कौन कौन सी विशेषताएँ वहाँ पर प्रकट होती हैं उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी अभिक्रिया होगी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी क्रियाकारकों या अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हमारे पास दो शब्द आते हैं, एक तो आता है अभिकारक और दूसरा आता है उत्पाद। एक शब्द आता है हमारे पास अभिकारक और दूसरा नाम आता है हमारे पास उत्पाद। तो देखिए, अभिकारक और उत्पाद क्या है। जैसे मान लो मैंने किसी अभिक्रिया में ए प्लस बी को मिलाया और कोई नई चीज़ बनी हमारे पास सी। जैसे मान लो मैंने कोई ए और बी को मिलाया और नई चीज़ बनी है मेरे पास सी। तो इस अभिक्रिया को संपूर्ण कराने के लिए मैंने किन किन पदार्थों का यूज किया, किन किन पदार्थों को उपयोग में लिया। जिन पदार्थों को उपयोग में लेते हैं उनको अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। जिन पदार्थों का हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में यूज करते हैं उनको अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। जैसे कि मैंने इस अभिक्रिया में ए और बी को किसके रूप में लिया है, अभिकारक के रूप में। और जो हमारे पास प्राप्त होता है, जो भी पदार्थ हमारे पास प्राप्त होगा उसको उत्पाद कहा जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, अभिकारक या क्रियाकारक, रिएक्टेंट कहा जाता है, क्योंकि ये वो पदार्थ हैं जो रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करने वाले पदार्थों को रिएक्टेंट कहा जाता है और किसी रिएक्शन के द्वारा बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है, उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यानी कि रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे आर और इधर लिखेंगे हम पी। आर किस में चेंज हो जाएगा, पी में। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट यानी अभिकारक और पी यानी उत्पाद प्रोडक्ट। तो देखिए अब समझ में आ जाएगी परिभाषा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों के रूप में लिखना। मान लो यहाँ पर मैंने कुछ कोई भी चीज़ ली है, उसका यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रतीक। तब जब हमने प्रतीक लिखा है तब इसको कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। अब देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे हमने प्रयोग पिछले लेक्चर जो वीडियो था उस लेक्चर में हमने क्या कहा था कि मैग्नीशियम और जो फीता होता है मैग्नीशियम को, उसको जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो वही रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम के फीते को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जो राख बनती है वो क्या है, वो राख है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब ये तो होती है हमारे पास शुद्ध हिंदी में समीकरण लिखी है हमने कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किस क्या बनाएंगे, रिएक्शन के द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। इसको कहते हैं हम शब्द समीकरण। इसको क्या कहते हैं हम, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखने पर जो प्राप्त समीकरण होगी, जैसे किसी जो भी रासायनिक अभिक्रिया उसको शब्दों में लिखने पर ये जो समीकरण प्राप्त होगी, शब्दों में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होगी उसको शब्द समीकरण कहते हैं। और इसी शब्द समीकरण को अगर हम प्रतीकों में लिख दें, देखो प्रतीकों के रूप में लिख दें, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास रासायनिक समीकरण। तो दो नाम आ गए हमारे पास। इस लाइन को हम कहेंगे शब्द समीकरण, इसको कहेंगे शब्द समीकरण, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो दोनों में आई होप अंतर समझ में आ गया होगा कि शब्द समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। अगर उसको हिंदी में लिखा जाए
तो वो शब्द समीकरण है, और उसको प्रतीकों के रूप में लिख दिया जाए तो वो क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो यानी कि शब्द समीकरण का किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखने पर प्राप्त समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। तो देखिए, अभिकारक क्रियाकारक की परिभाषा याद हो गई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो अभिकारक ए और बी दोनों हैं, और उत्पाद या प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर उत्पाद कौन है, सी। इसी प्रकार जब इस रासायनिक अभिक्रिया या इस शब्द समीकरण की बात करें, इस रासायनिक समीकरण या इस शब्द समीकरण की बात करें, तो ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम है, ये दोनों किसके रूप में है, अभिकारक या क्रियाकारक के रूप में है, जबकि जो बनने वाला जो पदार्थ है, जो चीज़ बनती है, उसको हम उत्पाद के दें। तो दी गई रासायनिक समीकरण में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी के द्वारा, या कोई पूछ ले आपसे कि दी गई समीकरण में उत्पाद को पहचानिए, तो उत्पाद कौन होगा, जो तीर के निशान के राइट साइड में लिखा होगा, तीर के निशान के राइट साइड में लिखा होगा उत्पाद होगा। अब देखिए, ये हमारे पास समझ में आता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चल रहे हैं आगे कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, किसी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं किसी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, जो मैंने ये लिखा है। अब ये दो पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत समझाया था, हालांकि इसके बारे में अभी डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट में तो मैं क्या लिखूंगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, जबकि अभिक्रिया के द्वारा बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद की मुझे पहले पॉइंट में तो परिभाषा लिखनी है, क्या लिखनी है, मुझे परिभाषा लिखनी है, जो कि मैं बता चुका हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा कि अभिकारक या क्रियाकारक कौन है, और प्रोडक्ट कौन है, उत्पाद कौन है, क्या चीज़ भाग ले रही है रिएक्शन में, और क्या हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो पहले पॉइंट में क्या किया जाएगा, अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिखेंगे। हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो मतलब उसको पहले पहचानेंगे कि कौन भाग ले रहा है और कौन बन रहा है। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं क्या है कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक जो भी होते हैं यानी कि रिएक्टेंट, उनको तीर के निशान के बाई साइड लिखा जाता है, जबकि जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो उत्पाद बनेंगे, उनको तीर के निशान के राइट साइड लिखा जाएगा। जो रिएक्टेंट होंगे उनको तीर के निशान के बाई साइड यानी लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, और जो प्रोडक्ट होंगे उनको राइट साइड लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखा जाता है, अभिकारक, और राइट हैंड साइड में किसको लिखा जाएगा, प्रोडक्ट। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते टाइम तीर के निशान का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा क्या, सूरज की रोशनी सीधी पड़ दी है यहाँ पर, तो वो ऐसा लगता है कि लाइट जल रही है, पर वो सूरज की सीधी किरणें आती हैं। तो देखिए, हम लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या, अभिकारक और क्रियाकारक यानी कि अभिकारक क्रियाकारक और उत्पाद की पहचान करेंगे। दूसरी बात कि किसी भी तीर लगाना है, तीसरे पॉइंट में तीर लगाने के बाद क्या करना है, हमें रिएक्टेंट को कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और प्रोडक्ट को कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में, या फिर बाद में तीर लगा सकते हो, कभी लगा सकते हो, लेकिन लगाना जरूर है। क्योंकि जब मैं कक्षा 10th में था तो एक टीचर ने मेरे से पूछा था, उस टाइम जब एडमिशन चलती थी, तो वो टीचर घर पर आए तो पूछा था, बता बेटा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते टाइम बीच में कौन से निशान का यूज किया जाता है, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उस टाइम मैं कमज़ोर था थोड़ा सा पढ़ाई में, तो उस टाइम मैंने बताया कि बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। अब घर वालों के सामने बेइज्जती ना हो, इसके लिए टीचर बोले कि वाह मज़ा आ गया, सही है बेटा आंसर, पर वो मेरा गलत था, मुझे पता चल गया। तो वो किसका तीर लगाया जाता है, एरो का, तीर का चिन्ह लगाया जाता है, राइट का नहीं। तो किसी भी रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम किसका, एरो यानी कि तीर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, मेरी तरह गलत मत करना, बराबर नहीं लिखना। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा, राइट के मतलब फिर राइट निकल रहा है, तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसका, तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, चौथे पॉइंट में हम क्या बात कर रहे हैं, अगर अभिकारकों और उत्पादों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक भी हैं और दो या दो से अधिक उत्पाद भी हैं, तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जैसे कि ए प्लस बी, एरो यानी कि तीर का चिन्ह लगाया, क्या बनाया, सी प्लस डी। अगर उत्पाद और अभिकारक दोनों ही ज़्यादा हैं, एक से अधिक हैं, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाएगा, माइनस का नहीं लगेगा। ध्यान देना, यहाँ पर दो अभिकारक हैं तो दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया, और यहाँ पर दो ही उत्पाद हैं तो दोनों के बीच में भी किसका चिन्ह लगाया,
प्लस का चिन्ह लगाया। और लास्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, पांचवा पॉइंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, समीकरण को संतुलित किया जाता है, समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्या किया जाता है, समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो ये पांच पॉइंट हैं जिनके अंदर हम किसी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कहाँ चल रहे हैं, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो मैं इसको साफ करके यहाँ पर पहले डिटेल लिख देता हूँ, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हमने हेडिंग डाल दिया है कि रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। अब पहले समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा बात, क्योंकि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर अणुभार या परमाणु भार हम बात करें तो वो चेंज नहीं होते हैं। जितना परमाणु भार या अणुभार रिएक्टेंट का होता है उतना ही अणुभार प्रोडक्ट का भी होता है। यानी कि इसका वजन अगर 10 ग्राम है, मान लो मान के चल रहे हैं 10 ग्राम, तो इधर का वजन भी 10 ग्राम आना चाहिए। अगर इधर का वजन 50 ग्राम है एक चीज़ का, तो इधर क्या होना चाहिए, 25 ग्राम प्लस 25 ग्राम, मतलब 50 ग्राम चीज़ बन जानी चाहिए। अगर इधर 25 ग्राम प्लस 25 ग्राम की दो चीज़ मिल रही हैं, या फिर बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, 25 और 50 ग्राम की दो चीज़ें बन रही हैं, तो इधर भी क्या होनी चाहिए, एक 50 की जगह दूसरी बना दो 60 ग्राम की बना दो, और एक बना दो 15 ग्राम की, 60 15 75 और इधर भी 75। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, इधर के परमाणुओं का वजन, भार, द्रव्यमान। अब देखो, भार और वजन शब्द यूज नहीं करेंगे वैसे, यहाँ किसका यूज करेंगे, द्रव्यमान का। किसका, द्रव्यमान का। तो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट हैं, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हैं यानी अभिकारक और उत्पाद हैं, उन दोनों का वजन क्या आना चाहिए, भार द्रव्यमान बराबर आना चाहिए। इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सुनिए नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों या क्रियाकारकों तथा बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, संरक्षित, मतलब कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, जैसे हमने इधर कोई 100 ग्राम पदार्थ लिया, मान के चल रहा हूँ ग्राम लगाते नहीं है ग्राम मात्रक में, इधर 100 ग्राम लिया, और इधर ऐसा नहीं होगा कि इधर 95 ग्राम ही प्राप्त हो, और अगर 95 ग्राम प्राप्त हो गया तो मतलब या तो रासायनिक समीकरण सही नहीं लिखी है हमने, और या फिर यहाँ पर किसकी पूर्ति नहीं हुई, संतुलित की नहीं कर पाए उसको, तो बैलेंस करना पड़ता है। तो मैं इसको बैलेंस करने की क्या लिए क्या करूँगा, इधर इसको 95 से गुणा कर दूँ और इसको किससे 100 से गुणा कर दूँ, किससे, इधर 95 से कितना आ गया 9500, और इधर भी कितना आया 9500। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन अब क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसी देखो, सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण क्या करती हैं, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी है। अब चलिए हम बात करेंगे कि कोई रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं, इसका पता लगाना पहले जरूरी है। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, एक रिएक्शन लेते हैं अपन, Zn प्लस H2SO4, यानी कि जिंक प्लस H2SO4, ये एरो के निशान के किधर हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये कौन होंगे, रिएक्टेंट होंगे। ये एरो का चिन्ह लगाया, तीर का चिन्ह लगाया, और इधर क्या बनाऊंगा मैं, ZnSO4 प्लस H2, क्या लिखा, जिंक, मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, क्योंकि बच्चे जानते नहीं हैं, जिंक, और ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, ये है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये है हमारी हाइड्रोजन गैस, और ये मैंने तीर का चिन्ह ऊपर के लिए लगाया है, इसका मतलब है गैस यहाँ पर बनती है और निकलती है, ठीक है। अब देखो, ये तो शब्द समीकरण है, ये तो क्या है, शब्द समीकरण है। अब प्लस का चिन्ह मैं यहाँ पर लगा दूँ, और यहाँ एरो और यहाँ प्लस, तो ये शब्द समीकरण बन गई, और ये क्या हो गई, रासायनिक समीकरण। अब देखिए, सबसे पहले पता लगाना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। देखिए कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे चेक करना है, इधर देखिए, जिंक के आगे कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं, जिंक के साइड में कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं, ना तो जिंक के आगे ना नीचे की तरफ कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर जिंक के कितने परमाणु हैं, केवल एक परमाणु, जिंक का कितना परमाणु है, केवल एक परमाणु है।
इधर की बात करते हैं, इधर तो है ही नहीं जिंक, इधर की बात करते हैं तो जिंक यहाँ है, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर भी जिंक का एक ही परमाणु है। तो यानी कि जिंक एक इधर है एक इधर है, यानी कि ये बैलेंस है, जिंक पूरी तरह से बैलेंस है। इसकी बात हमने कर ली, इस जिंक की बात हमने कर ली। अब चलिए मैं सल्फर को ले लेता हूँ पहले। सल्फर इधर भी एक है और सल्फर इधर भी एक है, यानी कि ये भी बैलेंस है। फिर मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन को, तो H2 इधर भी दो हैं, देखिए आगे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ है, तो H2 कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, और यहाँ पर भी कितने हैं, दो हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। बची कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, चार हैं, और ऑक्सीजन के इधर भी कितने परमाणु हैं, चार हैं। तो यानी कि यहाँ पर तो सबकी मात्रा सेम है, तो यानी कि ये समीकरण कैसी है, ये एक संतुलित समीकरण है। ये कैसी समीकरण है, संतुलित समीकरण है। लेकिन अब मैं ये समीकरण दूँ, ये तो कैसी है, संतुलित है, मैं एक समीकरण दे रहा हूँ, वो समीकरण क्या है, Fe प्लस एच टू ओ। आयरन की क्रिया यानी कि लोहे की क्रिया जब जल से करवाएं तो क्या होता है, Fe3O4 बनता है, क्या बनता है, Fe3O4 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो क्या ये समीकरण कैसी बैलेंस है, क्या पता करते हैं। आयरन इधर कितने हैं, एक है, लेकिन आयरन यहाँ पर कितने हो गए, तीन। मैं बात करूँ तो आयरन इधर कितना है, एक है, लेकिन इधर कितना है, तीन है। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर चार है, हाइड्रोजन इधर दो है, इधर भी दो है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन और आयरन दोनों ही बैलेंस नहीं है। तो मतलब ये समीकरण अभी कैसी है, ये असंतुलित है। ये कैसी थी, संतुलित थी, ये कैसी है, असंतुलित है। तो इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि अब बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आयरन इधर कितने हैं, एक, और इधर कितने हैं, तीन। अब एक और बात ये है कि यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि बैलेंस इधर एक है तो यहाँ पर इसको मिटा के एक कर दो, सर बैलेंस हो गई, नहीं होगी, ऐसे नहीं करते, क्योंकि जो सूत्र है वो फिक्स है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब मैं इसको कैसे बैलेंस करूँ, इधर तीन है, इधर एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में ऐसी संख्या से कर दें, यानी कि मैं इसको तीन से इसको एक से गुणा कर दूँ। अब एक से गुणा करने के बाद तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको तीन से गुणा करते ही कितने हो जाएंगे, इधर तीन, इधर तीन, मतलब यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, तीन, यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, तीन, तो यहाँ पर भी कितने हैं, तीन, यानी कि आयरन बराबर हो गए, हो जाएंगे बराबर, होंगे। अब देखिए तो इसी प्रकार से क्या करना पड़ता है, हमें संतुलित करना पड़ता है। जैसे कि जब आयरन संतुलित हो गया तो फिर हम हाइड्रोजन को देख दें, किसको, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर दो हैं, इधर दो हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन की बात करें, पहले ऑक्सीजन इधर एक है, इधर चार हैं, ऑक्सीजन की बात करें, इधर कितना है, इधर एक है, इधर कितने हैं, चार हैं, फिर प्रॉब्लम। तो मैं इसको क्या करूँगा, चार से गुणा कर दूँ, इसको क्या करूँ, चार से गुणा कर दूँ, इसको गुणा नहीं करेंगे, तो अब ये चार यहाँ आएगा, ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ लगा दूँ, नहीं लगेगा, सूत्र फिक्स है, जल का सूत्र H2 है। तो जैसे ही मैंने यहाँ चार लगाया तो देखो चार और हाइड्रोजन कितने हैं, इधर दो, इधर हैं दो, और ये चार गुणा होंगे। अभी ऑक्सीजन तो बैलेंस कर रहे थे हम, चार हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन भी तो अब गुणा होगा, हाइड्रोजन के दो और दो जो आगे संख्या है उससे गुणा होगी, दो दुआ, सॉरी, दो चुके आठ हो गए, यहाँ पर चार दुआ आठ हो गए, कितने हो गए, आठ, और इधर कितना है, मात्र दो, तो यहाँ पर भी चार से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, चार से गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन अब इधर आठ हो गए, हाइड्रोजन अब इधर आठ हो गए, आयरन इधर तीन है, आयरन इधर तीन है, ऑक्सीजन यहाँ पर चार हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर भी चार हो गए। इस प्रकार से समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है, इस प्रकार से क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ तक मैंने आज पढ़ा दिया, ठीक है, अगले लेक्चर में इसको बैलेंस करना सीखेंगे किताब के अनुसार। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन किताब क्या कहती है, लंबी चौड़ी कथा कहती है किताब, उसको एक बार पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम नहीं सीख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा बाहर अंधेरा सा हो गया है और 20 मिनट का वीडियो भी हो चुका है और लगभग 20 मिनट और लगने वाले हैं उसको समझाने में। तो क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ेंगे, इसको एक बार लिखकर और समझने का प्रयास करेंगे, एक आध समीकरण खुद की तरफ से लिखकर कोशिश करना उसको संतुलित करने के पर, या फिर कहीं दूसरी किताब या पासबुक से मिल जाए उसको संतुलित करने की कोशिश करें। इसको मैं कल सिखाऊंगा, कल दूसरा वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।